हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक ड्रोन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1 मिलियन ड्रोन है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके बॉक्स पे इसके फंक्शन वगैरह देख सकते हैं। इसमें 1 की सेट हाइट है और हैंडलेस मोड है और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में है और इसमें 6 एक्सिस जायरो है और ये 360 फ्लिप कर लेता है। तो बाकी दोस्तों आप इसके बॉक्स को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसका जो मॉडल नंबर है वो है DM93। दोस्तों ये ड्रोन अमेज़ोन पे 3 कलर में अवेलेबल है, ब्लू कलर, ब्लैक कलर और वाइट कलर। इनमें से कोई भी आप परचेज कर सकते हैं, तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो दोस्तों ये जो ड्रोन है ये मैंने अमेज़ोन से 1800 रुपये में परचेज़ किया है। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो मैंने इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, लिंक को फॉलो करके आप सीधा अमेज़ोन पर जाएंगे और वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। उसके बाद दोस्तों ग्राउंड में जा कर के इसकी फ्लाई टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा फ्लाई करता है और कितना इसका फ्लाई टाइम है। तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस ड्रोन का मैनुअल है। इसमें हमें रिमोट के फंक्शन के बारे में बताया गया है और ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है ये बताया गया है, पर ये चाइनीज़ में है तो हम इसे नीचे रख देते हैं। और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अपने रिमोट को बॉक्स से बाहर। तो दोस्तों ये जो रिमोट है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमें 2 जॉयस्टिक मिलती हैं। जो इसमें फर्स्ट वाली जॉयस्टिक है उससे ड्रोन को अप डाउन और राउंडेड कर सकते हैं और सेकंड वाली से लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारी की हैं और एक ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पर इसमें इंडिकेटर लाइट है और यहाँ पर स्पीड और फ्लिप के लिए बटन है और बाकी बैक साइड में आप इसमें बैटरी डाल सकते हैं। तो चलिए रिमोट को रखते हैं साइड में और सभी चीज़ों को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये हैं इसके प्रोपलर गार्ड्स। तो ये काफ़ी मजबूत हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स में मिलती हैं हमें 2 एक्स्ट्रा प्रोपलर्स। तो चलिए इन्हें भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बॉक्स के जस्ट नीचे एक पैकेट मिला है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि पैकेट के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 2 प्रोपलर बॉक्स के अंदर मिली थी और 2 इस पैकेट के अंदर मिल गई हैं, तो टोटल हमें 4 प्रोपलर्स मिल गई हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमें ड्रोन के लिए स्टैंड भी मिला है। तो ये ड्रोन के स्टैंड हैं, इन्हें हम ड्रोन के नीचे लगा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमें एक बैटरी मिली है जो कि 3.7 वोल्ट 1000 mAh की बैटरी है। लेकिन दोस्तों इसका साइज़ देख के मुझे नहीं लगता कि ये 1000 mAh की बैटरी होगी, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 600 mAh की बैटरी जितना ही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमें मिलता है एक चार्जर जो कि 3.7 वोल्ट 800 mA का चार्जर है। इससे हम ड्रोन की बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे नीचे रख देते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें 2 और चीज़ें मिली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारे रिमोट की जॉयस्टिक पे लगने के लिए कुछ एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस चीज़ का आप यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे इस तरह से लगा दीजिए और आपकी जॉयस्टिक काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। दोस्तों पैकेट के अंदर जो लास्ट चीज़ हमें मिलती है वो है एक स्क्रू ड्राइवर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक स्क्रू ड्राइवर है, इससे हम अपने ड्रोन को रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मिलते हैं हमें पेंच, इन्हें हम जब अपनी प्रोपलर वगैरह चेंज करेंगे तब इनका यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं अच्छे से अपने ड्रोन को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ड्रोन है ये। 1800 रुपये में इससे बढ़िया ड्रोन आपको नहीं मिल सकता। तो चलिए हम इसे नीचे से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर LED लाइट लगाई गई हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम इसे नाइट में भी फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है इसका कैमरे का सॉकेट, इसमें हम अपना कैमरा लगा सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार इसके बैटरी कंपार्टमेंट को खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक केबल है, इसमें हम अपनी बैटरी अटैच कर सकते हैं जो कि हमें ड्रोन के साथ ही मिली है। तो चलिए दोस्तों हम इसमें ड्रोन स्टैंड लगा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रोन स्टैंड लगाना बहुत ही आसान है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से लग चुका है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है इसका ड्रोन स्टैंड। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम इसके जो प्रॉपलर गार्ड्स हैं उन्हें भी इसमें लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसके प्रॉपलर गार्ड, जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये बिल्कुल भी प्रॉपलर को डैमेज नहीं होने देंगे। तो देख सकते हैं प्रॉपलर गार्ड भी लग चुके हैं और ड्रोन की लुकिंग देख सकते हैं कितनी कमाल की है, एकदम प्रोफेशनल ड्रोन लग रहा है ये। तो चलिए अब हम इसमें बैटरी वगैरह डाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि ये 3.7 वोल्ट 1000 एमएएच की बैटरी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं अटैच कर रहा हूँ इस केबल को, आपको इसके साथ कुछ इस तरह से अटैच कर देना है। तो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसे अटैच कर दिया है और इस बैटरी को यहीं पर इस बैटरी कंपार्टमेंट में आपको रख देना है और इसे इस तरह से क्लोज कर देना है। तो देख सकते हैं हमारा जो ड्रोन है वो तैयार है और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन है। देखिए ऑन करते ही इसमें लाइट जल जाती हैं, देख सकते हैं रेड कलर की लाइट जल रही हैं। तो चलिए अपने रिमोट में भी हम बैटरी डाल लेते हैं। दोस्तों, रिमोट में जो बैटरी डलती है वो हमें इसके साथ नहीं मिली है, हमें अलग से परचेज़ करके इसमें डालनी होगी। और ये बैटरी चार्जेबल और नॉन चार्जेबल दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा रिमोट ऑन हो चुका है, बैटरी हमने डाल दी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ड्रोन को ऑन करते हैं और अब करते हैं अपने रिमोट को ऑन। और फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को जैसे ही एक बार ऊपर और नीचे करेंगे तो ये हमारा जो रिमोट है वो कनेक्ट हो जाएगा ड्रोन से। तो अब ये फ्लाई करने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसे लेके ग्राउंड में और करते हैं इसकी फ्लाई टेस्ट।